राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का वक्त ही बाकी रह गया है और इन विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में प्रदेश भर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ मैदान में बाकी के अन्य विपक्षी दल भी हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी खेमे में ही खटपट भी नजर आ रही है। बात एक बार फिर से करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक वक्त जमकर तकरार देखने को मिली। हालांकि अब विवाद दोनों के बीच खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मतभेद खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह रही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। सचिन पायलट ये साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वह मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसी दौरान देखा जाए तो पायलट समर्थकों की जो नाराजगी है कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये नजारा देखने को मिला हाल ही में जब सवाई माधोपुर पहुंच गए मुख्यमंत्री के सलाहकार उनके करीबी नेता दानिश अबरार, और वहां पर साफ तौर पर दिखाई दिया कि पायलट समर्थकों ने नारेबाजी की। दानिश अबरार का नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे लगा दिए और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। देखिए ये वीडियो। माधोपुर ले जाओ डायरेक्ट शमशान घाट में। माधोपुर ले जाओ डायरेक्ट शमशान घाट में। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर दानिश अबरार के पहुंचने पर यहाँ पर किस तरह से नारेबाजी की गई। जानकारी दे दें कि मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए, लेकिन दूसरी ही तरफ सामने ये तक आया है कि समर्थकों ने पायलट के गद्दारों को गोली मारो, दानिश अबरार मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और माहौल एक बार फिर से बिगड़ता हुआ नजर आया। गुर्जर समाज के वरिष्ठ लोगों ने मामले को शांत करवाया। आपको जानकारी दे दें कि विधायक अबरार गुरुवार को गुर्जर समाज के भगवान देव नारायण मंदिर के वार्षिक उत्सव समारोह में पहुंचे और उस दौरान जमकर विरोध किया गया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद देखने को मिला। कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आई। गहलोत खेमे में होने के कारण दानिश अबरार के खिलाफ वह नारेबाजी करते हुए देखे गए हैं। अब यहां पर यह देखना काफी ज्यादा अहम है कि आखिरकार पायलट के जो समर्थक हैं वह अपनी नाराजगी को इस बार खत्म करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर एकजुटता का संदेश लगातार दे रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।